रोज़ किचन में काम आने वाला कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स जो रोज़ काम आने वाला है। हाँ फ्रेंड, ऐसा टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक किचन टिप्स कैसा है, बहुत यूजफुल है। मेरा ये टिप बहुत यूनिक है, मटर छीलने को लेकर है। जैसे कि सर्दियों में बहुत सारा मटर मिल रहा है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं कि मटर लाते हैं और तरह तरह के डिश बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मटर छीलना बहुत बोरिंग काम होता है, बहुत बहुत टाइम भी लगता है। तो हमें क्या लगता है कि कोई हमें मटर छील कर दे तो बहुत आसानी रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छीलना तो हमें ही है, इसलिए बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर आ चुकी हूँ। प्रेस के थ्रू मटर को छील के दिखाऊंगी। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने प्रेस को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं मटर को कॉटन के कपड़ा पर रख ली हूँ। ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको इसी कपड़ा से मैं ढक दूँगी और मेरा प्रेस भी एकदम गर्म हो चुका है। और इसी पे मैं हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करूँगी। ज़्यादा इसको नहीं दबाना है, ज़्यादा दबाएंगे तो क्या होगा कि मटर गल जाएगा। तो इसीलिए एकदम हल्के हाथों से इसको अच्छे से प्रेस करना है। और देखिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, एकदम मटर छीलने में कोई झंझट नहीं होगा। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए किस तरह से हो गया है। अभी थोड़ा सा और इसको अच्छे से ढक करके और फिर से मैं प्रेस करूँगी। ज़्यादा दबा करके इसको प्रेस करेंगे तो गल जाएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। तो इसको हल्के हाथों से इसको चारों तरफ से घुमा घुमा करके अच्छे से, जिस तरह से कपड़ा प्रेस करते हैं ना, उसी तरह से प्रेस कर लेना है। और मेरा आयरन भी एकदम गर्म है। देखिए मेरा मटर कितना अच्छा से हो चुका है, इसमें से भाप निकल रहा है। और देखिए एक हाथ से ही मटर छिला जा रहा है। यदि आपको लगे कि हाँ मटर अच्छा से नहीं हुआ है, नहीं छिला रहा है, तो आप फिर से उसी तरह से आयरन गरम करके इस पे रख दीजिए कपड़ा और प्रेस कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए बहुत आसानी से छिला जाता है मटर। इसी तरह से मैं सारे मटर छील ले रही हूँ, इसमें कोई झंझट नहीं होता है। और घंटों का काम मिनटों में फटाफट होगा। तो इसी तरह से आप लोग एक बार ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए और किचन का काम आसान कीजिए। हम लोगों का सबसे झंझट काम यही होता है कि हम मटर छीलने वाला काम। तो ये ट्रिक एक बार आप लोग ज़रूर अपनाइए और देखिए कि हाँ ये कितना यूजफुल ट्रिक है। तो इसी तरह से मैं सारे मटर को छील ले रही हूँ। देखिए मैं एक हाथ से ही इसको छील ली हूँ। और मैं यहाँ पे सारे मटर छील करके एकदम तैयार कर ली हूँ। तो इसी तरह से आप लोग ये वीडियो देख करके और ज़रूर ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ ये ट्रिक कैसा लगा। यदि आपको स्टोर करना है तो इस तरह का डब्बा लग कर ले करके और उसमें रख करके और एक दो दिन तक इसको रख सकते हैं। ज़्यादा दिन इसमें नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। आप लोगों को लगे कि हाँ मतलब एक दिन पहले ही मैं इसको बना करके रख दूँ तो ये चल जाएगा, एक दिन पहले ही इसको अच्छे से निकाल लीजिए छील करके आयरन से प्रेस करके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।